नमस्कार, मेरा नाम राजेश, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज डॉट इन। अभी की सबसे बड़ी खबर भाजपा की ओर से आ रही है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कन्हैया के डर से मैदान छोड़ दिया है। ये खबर आज दिन भर बाजार में तैरती रही। सिंह के करीबी की ओर से कहा गया कि वे बेगूसराय से किसी भी हाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहाँ ये उल्लेख करना जरूरी है कि इस बात को गिरिराज सिंह ने अभी तक नहीं कहा है। सिंह के आसपास रहने वाले लोगों के पास से ये खबर आ रही है। सिंह के हवाले से मार्केट में इस बात के सामने आने पर दो प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई। एक तबका का कहना है कि पार्टी के वरीय नेता गिरिराज सिंह को मनाने में लगे हुए हैं, गिरिराज सिंह अभी तक माने नहीं है। जबकि दूसरे तबका का कहना है कि गिरिराज सिंह नौटंकी कर रहे हैं, वे चुनाव हर हाल में बेगूसराय से लड़ेंगे, ये केवल भूमिका बना रहे हैं। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, विपक्ष को इस मामले पर कटाक्ष करने का अवसर मिल गया है। विपक्ष ने भाजपा और सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि गिरिराज सिंह तो चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर फरार हो गए। यह तो झांकी है, अभी देखें और क्या क्या होता है। भाजपा के नेता भी इस पर अपना नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर कहते हैं कि बात तो सही है, गिरिराज सिंह को चुनाव नहीं लड़ना है तो मत लड़ें, लेकिन इस बात से अपने साथ साथ पार्टी की फजीहत क्यों करवाने पर अड़े हुए हैं। अब तो नवादा से उनको टिकट मिलेगा नहीं, तो फिर इस पर चर्चा करना ही बेकार है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि नवादा में पहले चरण में ही चुनाव होना है, इसको लेकर 25 मार्च को नामांकन की अंतिम तिथि थी। इधर ये भी सूचना आ रही है कि गिरिराज सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के लिए समय मांगा है। बहरहाल मामला चाहे जो कुछ भी हो, बेगूसराय के मामले को लेकर भाजपा का फजीहत जरूर शुरू हो गया है।